आत्मा नमस्ते एवरी वन हर्ड अ कोटेशन हेल्थ इज वेल्थ सो टूडे गुड हेल्थ या आपने शास्त्रों में ऐसा भी पढ़ा होगा कि पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख हो घर में माया तो दूजे सुख की तो हमने पिछली बार बात की थी आज हम इस पहले सुख की बात करते हैं तो so वेन एवर वी फॉलो वास्तुशास्त्र के रूल्स एट आर होम इट नॉट ओनली हेल्प्स अस इन गेटिंग प्रॉफिट्स गेटिंग डिग्निटी इन सोसाइटी गेटिंग रिस्पेक्ट इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग वांस गुड हेल्थ जब भी हम घर बनाते हैं जब भी हम घर किराए पे लेते हैं जब भी हम uh, किसी नए शहर में जाते हैं नया घर लेते हैं तो वहाँ पे हमें वास्तु का विशेष ध्यान देना है क्योंकि वास्तु ना केवल हमें पैसा कमाने में मदद करती है बट वास्तु हमारे स्वास्थ्य जीवन के बारे में भी बात करती है जैसा कि हमने शास्त्रों में सुना ही था पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में हो माया तो इस बात की अगर हम बात करें तो घर में कोई भी वास्तु डिफेक्ट क्रिएट होने पे, जैसा कि मामूली अगर आपने टॉयलेट कोई भी गलत जगह बना दिया तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड जा सकता है आपको ट्यूबकलॉसिस और अन अटेंडेड कन्वर्ट्स इनटू कैंसर इतनी घातक बीमारी हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ अ लिटिल वास्तु डिफेक्ट देन और क्या हो सकता है अगर आपका कहीं गलत किचन बन गया मान लो तो अगर आपका किचन गलत बन बन गया तो आपके किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं ऐसा ही अभी बीते दिनों में मेरे क्लाइंट थे उनके घर में एक प्रॉब्लम था उनके घर में उन्होंने ब्रह्मस्थान में मंदिर बनाया हुआ था और ब्रह्म स्थान में मंदिर ऐसा लगता है कि बेस्ट है घर के बीचों बीच आपने मंदिर बनाया है गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहती है बट ये मेजर वास्तु दोष था उन पति पत्नी दोनों के साथ क्या हो रहा था पत्नी के तो बैक में पेन था और पति के पेट में पेन था और जैसे ही मैंने उनको ये बताया कि ये मंदिर आप यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए ट्वेंटी आवर्स चौबीस घंटे में उन दोनों पति पत्नी की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा सा आ, मंदिर भी कहीं अलग जगह आप बना दो उसका भी आपके हेल्थ पे इश्यू आ सकता है मान लो आपका कोई एक जोन डिस्टर्ब्ड है और उसकी वजह से आपके बच्चों में या ओनर में डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देन दोज चिल्ड्रन कैन इवन गो इन टू ड्रग्स सो वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन वेन एवर वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस और वी ट्राई टू रेंट अ प्लेस वी हैव टू फॉलो द वास्तु रूल्स और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है कई बार आप, दे, आप देखते हैं भला चंगा पर्सन है और उन्होंने अपना घर बदला और उनको हार्ट प्रॉब्लम्स आ गई तो ये सारी सिचुएशंस वास्तु के डिफेक्ट से हो सकती है सो so, आपने देखा कि कैसे घर में वास्तु दोष क्रिएट होने से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द डायरेक्शन एंड रेमिडीज एज वेल सो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज़ द मेन जोन जिसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो आपके हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं अगर वहाँ पे किचन है तो आपके हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं सो वॉट यू कैन डू नॉर्थ ईस्ट क्या है नॉर्थ है जल की दिशा और जल को हम बैलेंस नहीं करेंगे अगर हमारे बॉडी में भी पानी होता है थ्री फोर्थ ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर सो इफ द वाटर इज नॉट बैलेंस्ड इन योर होम इट विल मैनिफेस्ट एज अ डिजीज इन योर बॉडी तो हमको वहाँ पे अपना जल तत्वों को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं वी कैन हैव अ फाउंटेन का पिक्चर और वी कैन हैव अ फाउंटेन इन नॉर्थ ईस्ट और वी कैन हैव अ ग्लास बोल जिसमें पानी रख सकते हैं नाउ नॉर्थ ईस्ट इज वन डायरेक्शन जो हमको बहुत क्लीन रखना है एंड लाइट रखना है और पूरे घर में हमको क्लैनलीनेस uh, का तो विशेष ध्यान रखना है वैसे भी आपको पता है कि अगर गंदगी होगी तो ऑब्वियसली आपके घर में डिजीजेस इंसेक्ट्स uh, आ जाएंगे सो यू हैव टू एक वन थिंग इज क्लैनलीनेस दूसरा क्लटर फ्री होम्स जितना क्लटरिंग होगी आपके घर में जिस जोन में क्लटरिंग होगी आपका जो वास्तु होता है वो हर ऑर्गन से रिलेटेड है एवरी जोन हैज अ ऑर्गन रिलेटेड टू इट तो जिस जोन में आपके क्लटर होगा ना उससे रिलेटेड ऑर्गन में आपके प्रॉब्लम आने लग जाएगी सो नॉर्थ वी हैव टॉक नाउ साउथ ईस्ट इज अनदर डायरेक्शन जिसमें अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट की तो आपके बॉडी में डिजीजेज आ सकते हैं और साउथ ईस्ट क्या है अग्नि की दिशा है और हम सब के शरीर में भी एक अग्नि होती है जिसको बोलते हैं जठर अग्नि जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है फूड इज डाइजेस्टेड इन आर बॉडी सो इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम एज इन साउथ ईस्ट में अगर हमारा बाथरूम बना हुआ है या अंडरग्राउंड वाटर कुछ बना हुआ है टैंक आपका तो आपको डिजीजेस हो सकते हैं वॉट इज द रेमेडी फॉर दिस एवरी इवनिंग लाइट अ कैंडल देयर और लाइट कपूर uh, वहाँ पे कपूर बॉल्स को जलाइए और नहीं तो रेड बल्ब लगा दीजिए सो रेड बल्ब क्या करेगा अग्नि क्रिएट करेगा जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन ठीक होगा और हमारी हेल्थ ठीक होगी तो ऐसे ही हर जोन का कुछ ना कुछ इश्यू होता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई रेमेडी होती है मैं आपसे बेसिक रेमेडीज शेयर कर रही हूँ वन इन नॉर्थ यू कैन हैव अ फाउंटेन और अ फाउंटेन का पिक्चर और यू कैन हैव प्लांट्स इन साउथ ईस्ट यू कैन हैव रेड बल्ब लाइटर कैंडल लाइट कपूर देन नमक का पोछा पूरे घर में आप लगाइए स्पेशली ऑन सैटरडेज वॉट इट विल डू नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके घर से देन इन एवरी बाथरूम यू कैन कीप अ रॉक सॉल्ट इन अ ग्लास बोल वो सारी नेगेटिविटी को दूर कर देगा सो so दैट आपके हेल्थ इशूज नहीं आए और आप क्या कर सकते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये याद रखनी है कि जब भी आप सोएं साउथ में सर रख के सोएं क्यों आपको नॉर्थ में सर नहीं रखना है बिकॉज नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील चलता है हमारी बॉडी में भी वही मैग्नेटिक फील चलता है और अर्थ का भी वही है और लाइक पोल्स रिपेली चादा सो वी डू नॉट वॉन्ट कि वो रिपेलिंग एनर्जी हमारे बॉडीज की में आए और उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़े तो जो लोग नॉर्थ में सर रख के सोते हैं इवेंचुअली उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं इसलिए द प्रेफर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज स्लीप इन वाइल फेसिंग साउथ कोई से भी जोन में आपका बेडरूम हो नॉर्थ में हो ईस्ट में हो वेस्ट में हो साउथ में हो किधर भी हो हमेशा सर साउथ में रख के सोइए फॉर अ बेटर हेल्थ एंड इनकेस uh, uh, आप अगर नहीं सो पा रहे हैं साउथ uh, में सर रख के तो फिर ईस्ट नेक्स्ट इज ईस्ट डायरेक्शन इसके अलावा वेस्ट ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वेस्ट में भी सोने की वजह से आपको एन्जाइटी uh, स्ट्रेस ये हो सकता है बट नॉर्थ तो बिग नो नो है नॉर्थ में सोने पर तो वास्तु से जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो कोई एक दो दिन में नहीं होते बट ओवर द यर्स इफ यू स्लीप

Something very important for our life, stay tuned. Share it with your friends also so that they can be benefited as well. Atma namaste, stay healthy, stay safe because health is wealth.